हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। इतने सारे मैंने वीडियोस बनाए आज और बैक टू बैक बनाए, गला भी खराब हो गया, फिर से दर्द ही हो गया एक्चुअली। तो मूवी शूवी रेटिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, इतने सारे 10 वीडियो बनाने के बाद, कि बेस्ट मूवी कौन सी है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको डाल के देती हैं 2023 के अंदर। ठीक है जी, तो उल्टी गिनती शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से गुलमोहर जो एक पिक्चर थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके से होम के अंदर रिलेशनशिप डायनामिक्स दिखाए गए हैं वो नेक्स्ट लेवल के दिखाए गए हैं। शर्मिला टैगोर का वापसी, मनोज बाजपेयी की ब्रिलियंट एक्टिंग और सपोर्ट कास्ट का भी बहुत अच्छा कैरेक्टराइजेशन दिखाना, गुलमोहर इज़ वन ऑफ दोज मूवीज दैट यू शुड नॉट मिस ऑन OTT। ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन अगर मैं बोलूँगा तो। फिर 9th नंबर पे एक ऐसी मूवी का मैं नाम लेने वाला हूँ जो कि है तो फील गुड मूवी, लेकिन फील गुड मूवी हो, चाहे बॉलीवुड की मूवीज़ हो, चाहे वो रोमांटिक मूवीज़ हो, उसको कोई नहीं देखने जा रहा था। लेकिन जब रणबीर कपूर ने बोला तू झूठी मैं मक्कार, तो गाने भी सुपर हिट, विजुअली भी सुपर हिट, लोगों को भी बहुत मज़ा आया और 150-200 करोड़ रुपए इसने इंडिया के अंदर कर लिए, 150 करोड़ रुपए नेट, और वर्ल्ड वाइड भी बहुत अच्छी कलेक्शन कर ली और गाने भी बहुत ही ज़्यादा मस्त थे, तो बहुत अच्छी तरीके का इम्पैक्ट ये डाल के लेके आई। 8वें नंबर पे है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। अगर आपने ये नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। एक माँ से अगर आप उसका बच्चा छीन लिया जाए ये देखे कि भाई तुम इसका ख्याल नहीं रख रहे हो, तो माँ बोलेगी साले पागल आदमी, माँ नहीं रखेगी तो कैसे रखेगी। लेकिन नॉर्वे के लोग ऐसा नहीं मानते, नॉर्वे के लोग बोलते हैं कि जो हमारे क्रश हैं वो ढंग से रख सकते हैं तो आप हम आपसे बच्चा छीन लेंगे। तो ये जो मोहतरमा कैसे अपना केस लड़ती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रानी मुखर्जी ने इनैक्ट किया, ज़रूर देखिए, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। वहीं सिर्फ एक बंदा काफ़ी है मनोज वाजपेयी की एक और मूवी, ये आप देखोगे, और स्पेसिफिकली लास्ट का जो शॉट है इसके अंदर कहानी बाबाओं को लेके है कि बाबाएं कैसे लड़कियों का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड में अपना कोर्ट रूम के अंदर ये वकील होते हैं और एक शॉट होते हैं और ये ऑलमोस्ट इनकी ज़बान जो है लड़खड़ा जाती है, हाथ लड़खड़ा जाते हैं। जब आदमी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कुछ कर नहीं पाता है, बहुत गुस्से में भी होता है और उसको लगता है कि मैं अपनी बात बोल पाया, रो भी नहीं पा रहा है उस टाइम पे, इतने सारे एक्सप्रेशन एक साथ। ये शॉट अगर आप देख लोगे तो बोलोगे हिंदुस्तान में बहुत ही कम एक दो एक्टर हैं जो इस तरीके की एक्टिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपैक्टफुल मूवी थी और कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा, जो अंधभक्ति करते हैं कि भाई टीका लगा के आ गए तो इसका मतलब अंधभक्ति कर दो, ये तो भगवान के बिल्कुल पास है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर कोई भी ऐसे जो टीके लगाने वाले लोग हैं वो जेलों में नहीं बैठे होते। फिर है रक्षक। रक्षक अमेजॉन मिनी पे मिल जाएगी आपको, अमेजॉन पे भी देखने को मिल जाएगी, बहुत ब्रिलियंट बनी है ये। 90s के दौर के अंदर या अर्ली 2000 के दौर के अंदर मैंने काफ़ी पहले टाइम पहले देखी थी ये, लेकिन ये मेरे दिमाग में स्टिक कर गई कि एक जो सोल्जर होता है वो कभी भी ऑफ ड्यूटी होता नहीं है और वो मर जाता है लेकिन अपनी ड्यूटी किस तरीके से निभा जाता है। और डायलॉग्स भी क्या ज़बरदस्त हैं इसके अंदर, आप सुनोगे आप हिल जाओगे। सच्ची घटना पे आधारित है, आप देखो, आई एम श्योर आप सीधा सलूट मार दोगे इस तरीके की मूवी के अंदर। 5th नंबर पे अगर आप बोलोगे कि मिस्ट्री मूवीज़, एक जैसे जिसके अंदर लव का भी कुछ ना कुछ फ्लेवर हो और बहुत ही विजुअली इम्पैक्टफुल बनी हो, पहाड़ हो, कोहरा हो, तो जाने जान बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनी। और इसके अंदर करीना कपूर की एक्टिंग बहुत ही मेजमराइजिंग, इसके अंदर विक्रम वर्मा की एक्टिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, मिस्टर अलावत की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल, और उनकी एक अलग सी फैन फॉलोइंग बन गई है इसके बाद। ये गाने से लेके इसकी पिक्चराइजेशन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग सब कुछ टॉप नॉच था इसके अंदर, बहुत बढ़िया मूवी। इस तरीके की मूवीज़ थिएटर के अंदर रिलीज होने चाहिए, ये OTT वाला कॉन्टेंट था नहीं, ये बड़े स्क्रीन वाला कॉन्टेंट था। फिर एक बहुत ही हैप्पी गो लकी और जैसे कहते हैं ना उम्मीदें जगाने वाली मूवी थी, तुमसे ना हो पाएगा, ये शायद हॉटस्टार के ऊपर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं भूल गया कहाँ पर है ये, लेकिन एक बार चेक कर लेना, बहुत ही प्यारी पिक्चर है ये, आपको हंसाएगी भी और आपको एक मोटिवेशन भी देगी कि वैसे कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे रट में आप फंस जाते हैं और उसके बाद अगर आप अपना बिजनेस करने लगते हैं तो लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, और अगर आप जब सक्सेसफुल हो जाते हो तो फिर क्या कुछ होता है, और ये जो जर्नी होती है वो आसान नहीं होती है, दोस्तों के साथ भी, अपने साथ भी, कॉम्पिटिशन के साथ भी। तो तुमसे ना हो पाएगा ये जो जर्नी ऑफ, जैसे कहते हैं ना हम आजकल के ज़माने के अंदर कि मैं अपना बिज़नेस
खोल रहा हूँ या फिर मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, उसका इतना प्यारा फ्लेवर है कि ये दिस शुड नॉट बी मिस्ड, दिस इज़ अ मस्ट वॉच, मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ 2023। और ऐसी ही जज्बात जगाने वाली ट्वेल्थ फेल है, अब ये तो वर्ड ऑफ माउथ ही इसका इतना स्ट्रांग हो गया कि 50 करोड़ से 60 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस इसने करा। विक्रांत मैसी हैं और राजकुमार हिरानी के जो जैसे कहते गुरु, वो उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। तो काफ़ी इम्पैक्टफुल तरीके से ये मैं बोलूँगा कि मूवी एक रिफ्लेक्शन करती है कि एजुकेशन जो होती है वो सबके लिए होती है, और उस एजुकेशन को अगर आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो और फिर सारी अगर मुसीबतें कुछ सालों के लिए भूल जाओ तो आप वो मुकाम हासिल कर लेते हो। जो जलालत होती है इन बिटवीन जो आती है वो वर्थ वाइल होती है, क्योंकि जहाँ पहुँच जाते हो कि वही लोग जिन्हों आपको जलील करते हैं वो फिर यूँ कर रहे होते हैं, तो काफ़ी इम्पैक्टफुल है। एक और मूवी जिसने एक इम्पॉर्टेंट टैबू के ऊपर क्वेश्चन उठाया और जिसको बोला गया कि ये तो हमारे भगवान के अगेंस्ट है तो चली नहीं सकती, और वो 200 करोड़ का बिजनेस कर जाती है, ओ माई गॉड 2। वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ इशूज़ रिलेटेड टू फीमेल्स, वी डोंट टॉक अबाउट इशूज़ रिलेटेड टू वेन अ बॉय इज़ ग्रोइंग अप, तो उसके जो रिलेटेड जो इशूज़ हैं वो यहाँ पर आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। अक्षय कुमार बहुत अच्छा था इसके अंदर, पंकज त्रिपाठी ब्रिलियंट था। हम ये कह सकते हैं कि एक नॉन ए लिस्टर स्टार की पहली ऐसी पिक्चर होगी जो 200 करोड़ रुपये कर जाती है। इनफैक्ट एक और भी कह सकते हैं बिजनेस के मामले में तो अदा की भी जो मूवी थी वो 300 करोड़ कर गई, ये वाली मूवी जो थी केरला फाइल्स। बट ये मूवी जो है नॉन स्टार होने के बावजूद भी बहुत बड़ा बिजनेस कर गई। फिर है एनिमल, मैंने इसको बेस्ट मूवी की फर्स्ट रेटिंग के अंदर इसलिए रखा है, और इसके ऊपर एक बोनस मूवी भी है वो इसलिए रखा है क्योंकि मेरे समझ के हिसाब से कि जब मैं इस मूवी के आस्पेक्ट्स को देखता हूँ कि मेरे को विजुअली कैसी लगी, मुझे इसके सारे कैरेक्टर्स कैसे लगे, मुझे इसके गाने कैसे लगे, मुझे इसकी एडिटिंग कैसे लगी, मुझे इसके फाइट सीक्वेंसेस कैसे लगे, मुझे इसकी जो लोकेशन से कैसे लगी, मुझे इसके जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं या फिर जो सरप्राइज एलिमेंट्स हैं वो कैसे लगे, और इसके अंदर इतना पोटेंशियल कि बहुत थ्योरीज भी बन पाएँ। तो ऐसी बहुत रेयर मूवीज़ होती है जिनमें इतने सारे टॉपिक्स पर बात करा जाए और हर एक जो आर्टिस्ट है इसके अंदर वो मेमोरेबल हो जाए, इंक्लूडिंग बॉबी देओल, इंक्लूडिंग रणबीर कपूर। तो एनिमल डिजर्व करती है 1 पे। एक मैंने 0 पे भी रखी है मूवी ये 0 पे मूवी शाहरुख खान को कैसे मिस कर सकते हैं बेस्ट मूवीज के अंदर। अब ये बेस्ट मूवी या तो दंगी हो सकती थी, या तो ये पठान हो सकती थी, या तो ये जवान हो सकती थी। जवान को लेके मैंने आपको बोला था कि ये कुछ क्रिएटिव लीप आपको दिमाग में डालना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है कि आप शक्ल पे थोड़ा सा कुछ चेंज कर लो तो आप पहचान में नहीं आ रहे हो, ये सब चीज़ें, विक्रम राठौड़ के सिर्फ बाल चेंज हो गए तो पहचान में नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा फिल्मी जोन में अगर आप डाइजेस्ट कर लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो तभी 1150-1150 करोड़ कर लिए इसने। एक मूवी डंकी जो एक कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर मेरे ख्याल से 70% राइट थी वो पिक्चर, क्योंकि राजकुमार हिरानी की वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं थी लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो मुझे लगता है कि जो मूवी ने जिसने नज़रिया चेंज कर दिया कि हिंदी सिनेमा शुड रीगेन रिस्पेक्ट, वो तो एक ही मूवी थी पठान। उसकी वजह से बहुत कुछ चीज़ें चेंजेस हुई। ये जितनी भी मूवीज़ के हम बारे में बात कर रहे हैं ये सबके ऊपर बॉयकॉट के नारे लग जाने थे अगर वो मूवी ना आती तो उसको मैंने 0 पे रखा है कि भाई उसका भी कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ। वो पठान है ट्रू सेंस के अंदर, जिसने ये शुरुआत करी, जिसने बिल्कुल ही पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया, तो वो तो सुपर नंबर 1 पे है। और 1 से लेकर 10 की गिनती मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ। ऐसी सारी जो रेटिंग्स हैं वो एक प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डाल दी हैं, 8-10 वीडियोस हैं, वेब सीरीज से लेके मूवी से लेके बॉक्स ऑफिस से लेके सब कुछ है उसके अंदर, देख लेना। काफ़ी मेहनत से बनाया, गला तक खराब हो गया दोबारा खराब हो गया एक्चुअली, ठीक ही नहीं हुआ था। बाय बाय।